दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में सरकार द्वारा किए कार्यों को देश भर के तमाम केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रख रहे हैं। और इसी क्रम में रायपुर में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। उनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया है। देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बैंकों का विलय करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही साथ बैंकों में जो ऋण लेते हैं लोग, उनकी ब्याज दरों में भी कमी की और वैसे भी बैंक की ब्याज दरों में कमी की है। खबर कोरी